ए मैडम, यू के ड्रामा है, मुझे अब चाय नहीं मिली। कौन सा तरीका है चाय मांगने का? तुझे नू कही थी वहाँ बैठ जा, आज के दौरे ना सूख रहा बंदर ना खा जा, वहाँ तो तेरे पे बैठा ना गया, चाय की आग लग रही है बस। कौन सा तरीका हो जिससे मैं चाय मांगू? पहले मुझे चाय दे। चल ठीक है, वहीं जाकर बैठ, वहीं ला रही हूँ चाय। चल ठीक है, सुखा रहा तेरे के ऊपर, चाय लेकर जा। दिमाग खराब कर रही, मेरे जुम्मे आ गया हूँ सुखाने, सोऊंगा मैं तो। नाज सूख रहा है इसका, मैं सूखा मन आज। तुझे तो नूका ही नाज सूख रहा, नाज के दौर बैठ जी, बंदर खा जाएंगे। ये तरीका है तेरा मेरी गल बात करने का? कौन सा तरीका बात करने का बता, बोला बा, कैसे बोलती बंद होगी? बोल, क्या बोल रहा था? मैं कुछ कह ही नहीं रहा, कुछ नहीं कह रहा मैं तुझे। बहुत जुबान चला तेरी लपर लपर, नाज सुखा ले, ऐसा सो रहा चद्दर तान के। अरे भैया, भाभी आ गए। चल तेरा काम खत्म हो गया, चल जा। बस मेरा काम खत्म, इतना ही काम था मेरा। चला जा या कुछ और लेके जाओगा? हाँ भैया, अब आपका काम खत्म, हमारा काम शुरू। वाह भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है आ जा। बहुत बड़ी सुतरी आई रेवती, बहुत बड़ी सुतरी आई तेरी। अच्छा, ऐसे तो गांव में किसी की भी नहीं बना, गहने तो थोड़े से पैर का ही हो गया, दिखे हमारा तो नास। हटे छिपकली, इधर हो। मारूंगी गुट्टा भी, तू बहुत बोला है। अच्छा भाभी, हरी हरी पत्ती का नेक मुझे भी दे दो, वरना गोद में बैठ जाऊंगा। हरी हरी पत्ती ना, तुझे हरी हरी टट्टी देगी। खानी है तुझे? तू ही खा ले, तुझे ही चाहिए हरी हरी पत्ती, ले ले। भाभी, अब तो तुम्हें पैसे देने ही पड़ेंगे, अब तो आप सबको पसंद आ गई। चल खड़ा हो, ये ले पैसे, उसे परेशान मत कर, निकल चल। ठीक है, मैं चला अपने दोस्तों को पार्टी देने। चल ठीक है, देख अपने दोस्तों को पार्टी। हाँ माँ, इसने तो सच में कम गहने पहन रहे हैं। खड़ी हो, खड़ी हो, तय लगा चद्दर की, आज से तेरी नौकरानी वाली औकात है, बहु मत समझ ली इस घर की, लगल चलते। ना तो गहने लाई, ना पैसे कैश लाई, ना दहेज लाई, सारी दुनिया में तुझे मेरे घर मिला था ठगने की नहीं हो। मम्मी जी, हमने पहले बोल दिया था हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। खबरदार जो जीभ चलाई मेरे सामने, तेरी जीभ खींच कर हाथ में दे दूंगी, जो आज के बाद तन्ना मुंह खोल ला। खड़ी क्यों लगावा जाता है इसकी? और रसोई में बढ़ जा, काम कर ले।
पूनम जी टिफिन दे दो यार, जल्दी देर हो रही है, मुझे ऑफिस जाना है। लो जी। सुनो जी। हाँ जी। शाम को जल्दी आ जाना। कहो तो जाए ना, जब देखो रोमांटिक होते रहते हो। जाओ ड्यूटी। ठीक है। सोनिया ये क्या कर रही है? मैं पोछा लगा रही हूँ और तू केला खा के छिकल यहाँ फेंक रही है। इतनी तो अकल होनी चाहिए ना। ए नौकरानी है, नौकरानी बन कर रहे है। मेरे सिर पर नाचने की जरूरत ना तुझे। इसमें मैंने कौन सा गलत बोल दिया? पूरा दिन तुम कानाफूसी में। मेरा घर है, मैं कुछ भी करूँ। मैं केले के छिकल फेंकू या कुछ भी फेंकू, तुझे फालतू बोलने की जरूरत ना है। ए छिपकली, ऐसे कैसे बोल रही तू भाभी से? तेरे से बड़ी है वो, इज्जत से बात करा कर इनसे। अभी बता गारी मम्मी को, भैया मुझे धमका रहा। क्या क्या सपने देखे छोरे के। इसका ठाट से ब्याह करूंगी और अच्छे खानदान में और ऊंचे घराने में ब्याह करूंगी, जो खूब सारा दहेज दे। इस छोरे ने तो अपनी जिंदगी और मेरी भी नरक बना ली। जन कहां से इस बहु को उठा लाया यू? इससे दहेज ले तो कैसे ले, कैसे ले इसके घर के इनसे पैसे? कुछ समझ में नहीं आ रही बात। मम्मी मम्मी, मैं भैया ने मारी, भाभी ने पिटवाई, वही खड़ी साथ में। क्यों? नू कह रही से जान से मारेंगे। उसकी इतनी हिम्मत? देख ले तेरे होते हुए ऐसी मिलने मुझे सुनने को। इस कम्मा खतनी खून पी लिया, चल आज इसे देखूंगी मैं। छोड़ दो मम्मी जी, मुझे बहुत दर्द। छोड़ दो मम्मी जी, छोड़ दो मम्मी जी, मुझे बहुत दर्द। मेरी छोरी पिटवा दी तन्ने। मम्मी जी मैंने दीदी को नहीं पिटवाया, मम्मी जी मेरी कोई गलती नहीं है। मम्मी जी मुझे छोड़ दो मम्मी जी, मैंने दीदी को नहीं पिटवाया मम्मी जी। मेरे दोनों छोरे तन्ने अपने कब्जे में कर रखे, चल निकल बाहर, चल चल लेंगे को निकल बाहर। नहीं मम्मी जी नहीं, घर की तू नहीं मम्मी जी, लिकाड़ मारे घर से लिकाड़। तू जा रहन नहीं, तू एक मिनट भी इस घर में, लिकाड़ बाहर। मम्मी जी मैं कहाँ जाऊँ? पाँव मत पकड़ मेरे, यूँ बता रही हूँ, खड़ी हो जाओ ऊपर को। छोड़ दो मुझे, माफ कर दो मम्मी जी, मैं कहाँ जाऊँगी? खड़ी हो, खड़ी उठ ऊपर को। नहीं मम्मी जी मुझे छोड़ दो। खड़ी हो, खड़ी मम्मी जी, मैं कहाँ जाऊँगी? कह रही हूँ खड़ी हो जा, तुझे रुकन नहीं दू इस घर में एक मिनट भी, चल लिकड़ बाहर। पागल मान रही है मुझे, लिकड़ जा घर में से, डायन लिकड़ जा। मुझे मुझे छोड़ दो, मत पकड़ मेरे, खड़ी हो जा। मैं कहां जाऊंगी मम्मी जी, ऊपर को लिकड़ दो, छोड़ नहीं मेरे पांव, लिकड़ यहां से लिकड़, मुझे छोड़, छोड़ 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 मेरे पांव को। कम खत मारी खड़ी हो, लिकड़ बाहर यहां से बाहर, लिकड़ हो खड़ी। के कर रही तू यू? तू जा किसने कही बीच में बोलने की? कह रही तू उठ जा अपने कमरे में सीधा जाके, तू तो है ही नाश की निशानी। तेरे कर्मों से तो दुखी हूं मैं, चल खड़ी हो, बैठी रहोगे खड़ी हो जा, उठ चल चल निकल बाहर, बाहर को चल। मैं पड़ी रहूंगी मम्मी, जवानी के जोर दिखा लिया, कम्मा खत मुझे घेर के छोड़ देगी, निकल बाहर, चल निकल बाहर। मत निकालो घर, यहां घर में पड़ मत जाइए। मैं कहां जाऊं? तेरा दर्द हो रहा है ना, ऐसा दर्द मुझे भी हुआ था जब तू खाली हाथ मेरे घर में घुसी, निकल बाहर। छोड़ दो मम्मी जी, मैं कहां जाऊं? कहां जाओगे अपनी महतारी से? क्या 2 लाख रुपया और 10 तोले सोना जब पड़ी है मेरे घर में? मेरी माँ बहुत गरीब है तो मैं क्या करूँ, चल चल निकल, मैं तेरी सुनने वाली ना हूँ, चल रो रहा है मुझे मत दिखा, निकल ले बाहर यहाँ से, चल। कहाँ है तेरा बाप? इसने भी जन्म दुखी कर रखा। सरपंच यहाँ पड़ा मुर्गे की तरह मुंडी को दबाए, खड़ा ऊपर को, तुझे मैंने 20 बार नू कह रखी, मेरे फैसले में पंच फैसला करने मत घुसा कर, तेरी बस की कुछ नहीं है, करना तो मेरे ऊपर छोड़ देना इस घर को, मैं खुद चला लूंगी। चौधरी मत बना कर, समझा रही हूँ तुझे। एक तेरा बाप ऐसा मेरे बीच में जरूर टांग अड़ाओगा यू। माँ यू भैया को भूखे घर की कैसे पसंद आ गई?
पता ना इसने कैसा फंसा लिया मेरा छोरा, और यू भी उत्ता पता ना कहां पे रीज गया। इस छोरे से भी दुखी हूं मैं तो। माँ मेरी शादी में के देगी? तुझे दूंगी चूल्हे की राख, मेरे बेटे ना है जो तुझे दूंगी। तू तो पराया धन है, तू के ससुराल से मुझे उल्टा धन ला के देवेगी। मैं तो सारा धन सारी जायदाद अपने बेटों को दूंगी, जो मेरी सेवा करेंगे, मेरे पैर दबेंगे और मेरी गैल रहेंगे जब तक मरूंगी। तुझे धन देके मुझे अपने बालक रोड पर खड़े करने, मेरे बालक मेरे मरने के बाद मेरी चिता में आग देवेंगे। तू किस काम की? माँ तू छोड़ गुस्सा, तू मेरी मम्मा ना है, मैं तो उसे प्यार ना करती। चल ठीक है, चल चाय बना ले मुझे एक कप। पूनम यहाँ क्यों बैठी हो? कुछ नहीं जी, थोड़ी तबीयत सी खराब थी। तबीयत? मुझे पता है कैसी तबीयत खराब है, चल मेरे साथ। रुको, आपको मेरी कसम है। नहीं तू आ मेरे साथ। मेरी कसम खाओ मम्मी जी से कुछ नहीं बोलोगे। किस मिट्टी की बनी है तू, चला अंदर। माँ माँ आ गया बेटा। ये कहाँ मिली तुझे? ऑफिस पहुंच गई होगी चुगली लगाने की? नहीं हो बस माँ। हाँ बोल ऊंची आवाज में, तेरी आवाज ना आ रही है, इसकी सिकाई वाई आवाज आ रही है तेरी। चार दिन आई वाई को ना हुई है इसे, अपनी माँ को भूल गया, अब यू ही होगी सब कुछ। कैसा कान भर दिए इसने तेरे मारे बारे में। एक ऐसी कहा तन्ने से, क्या बताया इसने मेरे बारे में? कुछ ना बताया इसने, तुम सब ठीक हो। चल पूनम। ठीक करा इसने कुछ ना बताया, खामा खां की लड़ाई हो जाती माँ बेटान की। मम्मी मम्मी ये बात है, ऐसे तो हम परेशान हो जाएंगे। के हो गया? इसने तो बड़े भाई पे भी कब्जा कर रखा, और वो छोटा भी इसने अपने कब्जे में कर रखा। वो तो मैं भी दुखी रही हूँ इससे। ऐसे तो माँ पूरे घर पे कब्जा कर लेगी, तेरा मेरा ठिकाना तो कहीं है ही ना। फिर के करूँ इसका, गुस्सा तो मुझे बतेरा हुआ है। ऐसा जी करे ऐसा आग लगा के मार दो घर में ही। ना माँ आग लगानी ठीक ना, पुलिस पकड़ के ले जाओगी। फिर के करे? एक काम करते हैं माँ, इसे कहीं छोड़ आते हैं। अच्छा, और इसे यहाँ का रास्ता वास्ता पता है ही ना, और इसे दूर ले जाएंगे, इसे कोई भी ठाक ले जाएगा। हाँ ठीक कह रही है तू, छोड़ के कौन आवेगा? मैं छोड़ आऊंगी मम्मी। छोड़ आओगी तू? हाँ मैं छोड़ आऊंगी इसे। तो इसे ले जा तू आज बाजार के बाहर नहीं हिस्से, नु कह दे बाजार चल रहे भाभी घूमने। ले तो जाऊंगी मम्मी, पर पैसे लूंगी जब ही ले जाऊंगी मैं तो। कितने? 1,000 रुपये। चला के ले लिए तू, अभी तो मेरे पे है ना। ना मम्मी पहले दे। अरे तुझे कह दी ना आके ले लिए, छोड़ के तो पहले इस बला को। मम्मी यू चली भी जाएगी या नहीं? जाओगी कैसे ना, मैं मनाऊंगी जाके। उस दिन सही है कहीं गई है ना घूमने, फट देसी चलेगी तेरी गैल घूमने के नाम से। चल तू बैठी रह, मैं देखूं उसे मना के। मेरे कहने से तो चली जाओगी। पूनम बेटा। हाँ मम्मी जी। आओ मम्मी जी बैठो। तबीयत तो ठीक है बेटा तेरी? हाँ मम्मी जी मैं तो ठीक हूँ। क्यों माँ इसे क्या हुआ? अरे मैं नू कह रही थी सोनिया और यू दोनों बाजार चली जाऊंगी। मम्मी जी आप चले जाओ ना, मैं क्या करूँगी। माँ ये सही तो कह रही है। अरे तू चुप कर, हमारी सास बहुओं की बात है, तू कहा ले। अरे घूमी आऊंगी, अच्छी बुरी चीज खाने को जी कर रहा होगा, चली जाऊंगी। तू बता बेटी, तू मुझे अपनी माँ ना समझती है? हाँ जी मम्मी जी मैं तो आपको दिल से माँ समझती हूँ। ठीक है बेटी तू आराम कर ले, मैं सोनिया से लिस्ट बनवा लूं, जो जो चाहिएगा ले आइयो दोनों। ठीक है मम्मी जी। ठीक है कर ले आराम। कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, माँ को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम किस सोच में पड़ गए? सोच कुछ भी ना, ये मेरी माँ है, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ। बिना मतलब किसी से मीठा नहीं बोलती, फिर तुझे कैसे बाजार भेज रही है? ऐसी कोई बात ना है, आप छोड़ो, कोई बात होगी मैं देख लूंगी, आप अपने काम पे ध्यान दो।
चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। ठीक है। मम्मी मम्मी हाँ ला, पैसे दे। भाई तू नहीं लौटन देगी तनक देर, तन सी आंख से झपेगी जब ही कोई सा आ जाओगा। पैसा लेके ही काम करेगी तू, बिगर पैसे देरी हो तो दे दो, ड्रामे तो करो मत ना। ये बिगर पैसे के छोड़ी आऊ से, ये पैसे लेके ही छोड़ खाओगी। मम्मी तू 1000 रुपए देगी, उसे खिलाऊंगी पिलाऊंगी तभी तो जाएगी। चल खिला पिला दे, पर आज वो घर से बाहर चली जानी चाहिए। आज उसे घर से बाहर निकाल ही दूंगी। ऐसी जगह छोड़िए ये जो इंगे को आवे ही ना। आवे ही ना आओ। ले क्या बात है, आज तो बड़े पैसे बट रहे, तू भी ले ले। अरे ये मारी माँ बेटी इनकी बात है, तू ना पड़े इनके बीच में। अरे किसी काम से दिए पैसे ये। या कौन सा काम कराया जो तुमने से 1000 रुपए दे दिए? जरूरी है कुछ कमाई करूंगी जब ही लूंगी नोट। अरे यो हमारी आपस की बात है, तू बीच में ना पड़े। मुझे भी दो 1000 रुपए, मुझे भी चाहिए। अरे कहाँ से दे दो तमा 1000 रुपया, मेरे पे तो 500 रुपए बच रहे हैं। चल ले इनमें तू मर ले जा। इसे तो 1000 रुपए दे दिए, मुझे 500 रुपए दे गई बकारे। ओ मगरमच्छ सही है, तेरे मुंह दबा दूंगी फालतू बोलेगा तो। चला जा लौट जान दे तन्नक मुझे जा। यार माँ की जेब से तो 10 रुपए ना निकलते, आज मांगते ही मुझे भी पैसे दे दिए और छिपकली को भी दे दिए। मुझे लग रहा है ये भाभी के साथ कुछ गड़बड़ करने वाले है। आज मैं कहीं नहीं जा रहा, आज मैं पूरा दिन इन्हीं का ध्यान रखता हूँ। ठीक है चल के देखता हूँ। मरिंडा कल पार्टी में मजा नहीं आया। क्यों उस्ताद? अरे तुझे पता नहीं कि उस्ताद को लड़की की चाह है। यार दिमाग खराब हो रहा है यार, कोई फंस भी तो नहीं रही। उस्ताद देख के मार तेरी मां का सुती देख दन्नू। कहाँ है भाई? आओ तो करते हैं मोहरत। अरे मेरे परी कूदिया, नू नहीं देख रहा कहाँ कूदना। ये बनेंगे बदमाश। चलो तो बन गई बात, आओ। माल तो बढ़िया सा लग रहा। रुको उस्ताद, माल तो ठीक है उस्ताद, कम तो साड़ी वाली भी ना है। कम तो यो भी ना है, यो भी पूरी दारसी ले रही है। तुम तीनों की मरने की इच्छा ना हो ना तो चले जाओ यहाँ से। वरना क्या करेगी, तुम दो औरत हम तीन मर्द। जा रहा या कट कर जावेगा? काटने की क्या बात है जाने मन, बस एक बार आँख मार दो। अगर तने ऐसी वैसी हरकतें की आँख मारने की तो दूर बात, तू देखने लायक भी नहीं रहेगा। अच्छा रे तेरी एंट मैं कट दूंगा, पकड़ो रहने दोनों को। चलो न लेके आओ। हाँ मेरी छमिया चल आगे को, काना खरे कर रही। छोड़ कुत्ते, इसका अल्जाम बहुत बुरा आएगा। बचाओ, कोई नहीं सुने तेरी। बचाओ, कोई है यहाँ पे? जल्दी लेके आओ इन्हें दोनों को आगे को। आओ रे जल्दी लेके आओ दोनों को। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। जो भी कुछ करना है उसके साथ कर लेना, मैं वैसे भी उसे शहर छोड़ने जा रही हूँ ताकि वो हमारे घर का नाश ना करे। ओ कमाल है, एक के साथ एक फ्री, चल मेरी जान। छोड़ मुझे कुत्ते, छोड़ छोड़ मुझे कुत्ते। ओ काट लिया। आई आ चल जल्दी, मार दिया। वाह किसी की बहू और किसी की बेटी,
अकेली नहीं होती, उनका भाई उनके साथ है। बोल सच बता, क्या बात है? भाई मुझे माफ कर दो, भाभी को शहर छोड़ने के लिए माँ ने कहा था ताकि भाभी कभी वापस ना आए। जिस भाभी के साथ तुम इतना बुरा सलूक कर रही हो ना, आज इसी की वजह से तुम बची हो। शर्म आनी चाहिए तुझे, ये हमारे घर की इज्जत है, हमारी भाभी माँ है, तुम मर गई। चलो भाभी। भाई मुझे माफ कर दो। पर तुम ऐसा करना क्यों चाहती हो? दहेज के लिए? कल तुम भी पराए घर जाओगे, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ तो? भाभी मुझे माफ कर दो, भाई आप भी मुझे माफ कर दो ना, प्लीज भाई, भाभी प्लीज। कोई बात नहीं, रोवे मत तो, चुप हो जा। सुबह का भूला शाम को आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। घर चलो, आज माँ को भी सबक सिखाना है। नहीं, माँ से कुछ नहीं बोलोगे आप, चलो घर चलो। कौन है तू? काहे को आई है? सवेरे सवेरे आ जा भीख मांगा से। मैं वो पूनम। क्या पूनम? पूनम का नाम क्यों ले रही है तू? हैं? यहाँ ना भीख वीख, चल अपना काम कर, आगे से ले ले कहीं से। मैं उसकी माँ हूँ। माँ? तू माँ? तो यहाँ क्यों आई है फिर? माँ है तो तुम समधन दिखो। तेरी समधन? तेरी समधन बनूंगी मैं? समधन दिखो, शर्म ना आ रही, समधन कहते हैं। पर वो समधन जी, आपके बेटे ने तो मेरी बेटी को पसंद किया है, मैंने तो मना की थी। फांस लिया तेरी बेटी ने मेरा बेटा? समधन पमधन करे मत ना, परे को चली जाए बुंडी सिकल को लेके। तुझे इस घर में आना है ना, 2 लाख रुपया और 10 तोले सोना, इतने पैसे और सोना जब लेके घर में घुसना, आगे समझ में ना, तो 10 दिन के अंदर अंदर तेरी बेटी को तेरे घर पहुंचा दूंगी। पर समधन जी, मैं तो गरीब और बेसहारा हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगी? हम कैसे कर रहे हैं तो गरीब है? हम पके तू डंड धर रही है इस बात का कि मैं गरीब हूँ? हमें क्यों बता रही है गरीबी की? तू अपने अमीरों के लड़के आवे तम पे माँ बेटी पे फांसने, इस घर के लाख रिश्ता हाउ जो तने यहाँ भेज दी, चल निकड़ी हस्से और शिकल मत दिखा दी मुझे आज के बाद। भेज दूंगी 10 दिन के अंदर अंदर तेरी देह को भी वही। झड़ा कहाँ कहाँ से चले आवे मुंह को उठा के। हे भगवान, कौन से जन्म का बदला लिया तूने? झूठे दुख दिखाकर सुख के काले बादल भेज दिए। कौन आगा? सोनिया तू करिए मामला तमाम। चुप कर मैं तारी, ये शर्म ना आई। तुमने हमारी प्यारी भाभी को मरवाना चाहा सोनिया, ऐसा करते आज माँ का ही काम तमाम कर देते हैं। हैं? हाँ भाई। आज तुझे मार के ही छोड़ेंगे हम। छोड़ दो मुझे ना, मारो, छोड़ दो सोनिया, छोड़। ए सोनिया, तो सोई पड़ी है, कर यही मामला तमाम। अभी ना किया, अब करूंगी। मम्मी, मेरे साथ मेरी ससुराल में ऐसा होता तो तुम क्या करती? आग ना लगा देती एक धोरे से, सारे इनको जेल भिजवा देते। मम्मी, वो भी तो किसी की बेटी है, अगर वो तुम्हें जेल पहुंचा दे तो? चुप कर, पता ना उस काली जबान की ने क्या जादू टोना कर दिया इस पे। भैया, भाभी, पता ना उस दुखिया ने इस पे भी जादू टोना कर दिया। दिखे ला तेरी नजर तार दू। दायन, तन्ने मेरे दोनों बेटे इन पे कब्जा कर लिया, अब मेरी छोरी पे भी कब्जा कर लिया। दुखिया, तू के सोच रही है क्या सब पे कब्जा करने मेरे पे भी कब्जा कर लेगी? मैं तेरे झांसे में ना आने की हूँ, साफ सुंगी सी तू। भाभी,
आओ तुम यहाँ बैठो। ए तू तो इनके साथ रोज ही रहे, चल यहाँ से निकल छिपकली सी, खड़ी हो यहाँ से, हट न्योल से मुंह के, ज्यादा बोल रही दिखे है। ना जा रही ले, मैं तो यहीं बैठूंगी, जा चली जा, ना जा रही ले, ना जा रही, यो भेजेगा मो कालिया। हाँ जा चली जा छिपकली, तू तो बड़ी सुंदर है, भाभी माँ की बात का बुरा मत मानना। मैंने मम्मी जी की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना, एक दिन आप देख लेना मम्मी जी का दिल मैं जीत ही लूंगी। चलो ठीक है, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। लो। थैंक यू। भाभी एक बात पूछूं? पूछो, क्या बात है? तुम्हारी कोई बहन है क्या? नहीं, मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी हूँ। क्यों, क्या बात है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पर आपकी कोई सहेली तो होगी? नहीं मेरी कोई सहेली नहीं है, पर बात क्या है? कुछ नहीं, कोई चाचा ताऊ की बिना है? नहीं सबकी शादी होगी, पर क्या बात है? भाभी बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो। पहले बात बता देवर जी, तभी कान छोड़ूंगी। भाभी अपने जैसी कोई सुंदर सी लड़की देख के मेरी भी शादी करा दो। अच्छा ये बात है, इसलिए मस्का लगा रहे हो देवर जी, अच्छी सी लड़की देख के मैं तुम्हारी शादी करा दूंगी। ठीक है। चलो जी खाना खा लो, काम बाद में कर लेना। पहले इधर आ, एक बात है, यहाँ बैठ, एक बात बता, तू खुश तो है? हाँ जी मैं तो खुश हूँ। माँ परेशान तो नहीं करती? नहीं मम्मी जी, बल्कि मुझे बहुत प्यार करती है। वो मेरी माँ है, अच्छी तरह से जानता हूँ, सच बता। तुम तो खुश हो? मैं तो खुश हूँ, पर माँ तो खुश नहीं है। तुम खुश हो तो मैं सारे जमाने के दुख सह लूंगी। इसका मतलब मम्मी अब भी टॉर्चर कर रही है तुझे? ऐसा मैंने कब कहा? बात तो वही आ गई है। नहीं मम्मी जी मुझसे बहुत प्यार करती है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो खाना खा लो, आओ काम बाद में कर लेना। तू पता नहीं क्या करती रहती है, समझ नहीं आता। चल खाते हैं खाना। दो घड़ी चैन से आराम नहीं करन दे। तू फेर आ गए? मैं वो 2 लाख रुपए और सोना। आजा आजा अंदर को आजा, बाहर क्यों खड़ी है, अंदर को आ। आजा चल बैठ जा, बैठ। लो जी ला। अच्छा करा तू ले आई, इतना बड़ा घर, सारे खेत जमीन जायदाद और मेरा पैसा, और जो तू लाई है गहने सब तेरी बेटी का ही तो है। मैं के ले जाऊंगी छाती पे धर के, जो कर रही हूँ तेरी बेटी के लिए ही कर रही हूँ। पूनम, ए पूनम। जी मम्मी जी। देख तेरी मम्मी आई है। माँ नमस्ते। नमस्ते बेटा। माँ तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तू कैसी है बेटा? हाँ मैं भी ठीक हूँ, बैठ जा। रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ना। माँ जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, बैठ जा। बैठ जा बेटे, तुम भी बैठ जाओ, सिर पर चढ़ कर खड़े हो जा। माँ जी आज एकदम से, क्या बात है, सब ठीक तो है? हाँ बेटा ठीक है, मैं चलती हूँ। माँ यहाँ बैठो, क्या बात है, अभी आई हो, अभी जल्दी। बेटा तुझे देखने को मन कर रहा था, चली आई, अब जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। रुको माँ जी, सच बताओ क्या बात है? अरे तू भी अजय बेटा बेकार की बात कर रहा है, अरे अपनी बेटी को देखना आई, देख के अपना चल दी, और फिर कोई हम गैर थोड़ी है, यू भी मारी है हम इसके अपने, तू तो एक बात के पीछे पड़ जा। रुको भैया,
मैं बताता हूँ, ये तुम्हें कुछ नहीं बताएगी। क्या बात है? इनकी जुबान पर इनकी सुखी बेटी की जिंदगी ने ताला लगा दिया है। अरे कुछ भी तो ना बेटा, यू 500 रुपए मांग रहा था मेरे से, इस बात पे नाराज है। चल ले जा 500 रुपए, ले पकड़ ले, कर ले पार्टी जा। अरे पकड़। बस माँ, आज पार्टी बाहर नहीं घर होगी। भैया मैं बताता हूँ, सुनो भैया, हमारी माँ ने भाभी की माँ से 2 लाख रुपए कैश और 10 तोले सोना लिया है। क्या माँ, जिसने अपने शरीर के टुकड़े को तुम्हें दान में दे दिया बहू बनाने के लिए, और तुमने ऐसी हरकत की? माँ तुम कुछ तो शर्म करती, तुमने इनसे पैसे मांगे? अरे ये तो फिर भी कितनी अच्छी है, पैसे दे दिए और सोना दे दिया, शर्म करो, कितनी घटिया बात है, तुम पैसों के लालच में अंधी हो गई हो। माँ तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? बेटी मैंने अपना घर बार सब बेच दिया। माँ जी फिर आप रहोगी कहाँ? मैं कहीं चली जाऊंगी, कर लूंगी अपना गुजारा, कहीं मांग के खा लूंगी। क्या तुम अपनी बेटी के साथ भी ऐसा करोगी? नहीं ना, इन्होंने तो अपनी बेटी की शादी की थी और उसकी कीमत इन्होंने अपना घर बेच कर दिए तुम्हें, और तुम रहो इस घर में दौलत के साथ, हम जा रहे हैं घर छोड़कर। चलो पूनम। मुझे भी नहीं रहना वहां यहाँ पे, मैं भी जा रहा हूँ उनके साथ ही। रुको भैया, मैं भी आ रही हूँ। ये सब चले गए, सब चले गए। कुन पे भगा दिया था यू करते, क्या करेगी तू इन 10 लाख रुपए का? एक करोड़ में नहीं मिल सकते ये आदमी। कर दिया नाचते कहीं जा रहे थे तेजे 2 लाख रुपए रहती तू 10 तोड़े सोने का, सारे घर के मानस भगा दिए, 100 करोड़ में नहीं ला सकती तू न। सुन जा, कहाँ जा रही? रुक जाओ मेरे बच्चों, कहाँ जा रहे हो तुम? रोक लो नहीं बीते मैं। मेरे से भूल होगी समदन, मैंने आपसे 2 लाख रुपए दहेज के मांगे ना। समदन जी हाथ मत जोड़ो, मैं भूल गई थी कि बहू भी एक बेटी हो। वह माफ कर दे, मेरे गए थे माफ कर दे, मुझे माफ कर दो, मैं दहेज के चक्कर में अंधी होगी। समदन जी कोई बात नहीं, जाने दो, जैसी तुम्हारी बेटी ऐसी मेरी बेटी, जो हुआ उसे भूल जाओ, ये तो ऊपर वाले की लीला है। समदी जी हाथ मत जोड़ो ना, समदी जी इसने बहुत बड़ी गलती करी, मैं तेरे हाथ जोड़ू पा पकड़ू, दुखी होने का कोई फायदा नहीं, घर बचा रह जाएगा, ना पैर ना पड़ो। समदन लो अपने पैसे भी और गहने भी, मुझे कुछ ना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, दहेज लेना और दहेज देना बहुत बुरी बात है, अपने घर को बचाओ और इस समाज को बचाओ, क्योंकि दहेज की बहुत बुरी बीमारी है, घर को बिगाड़ देती है। उषा जी की दहेज के विरुद्ध ये प्रस्तुति इनके चैनल पर, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और ये इस तरह की सामाजिक बुराइयों के खिलाफ ये उषा जी कह रही हैं कि मैं हमेशा ऐसे काम करती रहूँगी जो सामाजिक बुराइयों को आईना दिखाती रहे। पिक्चर देखो और जो इस चीज की कमी हो उसे हमें बताओ, क्योंकि हम आगे को भी अच्छी अच्छी आपके सामने कहानी ला सकें। नमस्ते।